सब कहते थे कुकू तेरी झंड हो गई, कुकू तेरी झंड हो गई, पर इस बार कोई नहीं कह पाएगा कि कुकू ही झंड हुई है। मिताली फिर अपने आप से बात कर रहा है कुकू, बिल्कुल झंडू है तू। मिताली इस बार मेरी झंड नहीं होगी। क्यों, तू क्या चांद पे जा रहा है? मतलब क्योंकि वहां तेरे सिवाय कोई होगा नहीं, तो तेरी झंड कौन करेगा? हंस ले तुझे जितना हंसना है। एक मिनट ये देख, कुकू टिफिन सर्विस, रॉकेट की तरह उड़ेगा, रॉकेट की तरह। टिफिन सर्विस? हाँ, मेरा जो रेस्टोरेंट खोलने का सपना था ना, उसकी पहली सीढ़ी चढ़ ली है। कुकू टिफिन सर्विस खोला है मैंने, और मुझे मेरा पहला ऑर्डर भी मिल गया है एबीपी विद्या मंदिर स्कूल से। वाह कुकू, तू तो बड़ा ही स्मार्ट निकला। स्मार्ट कुकू नहीं, स्मार्ट तो मैं हूँ मिताली, क्योंकि मैंने बहुत ही स्मार्टली कुकू के बने हुए खाने में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और जब बच्चे कुकू के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो उनका मुंह जल जाएगा, और फिर कुकू को खाने पड़ेंगे बच्चों और टीचर्स के जूते। हेलो सर। हेलो बच्चों। हेलो कुकू। बच्चों ये है कुकू भैया, इन्होंने अपने स्कूल के लिए कुकू टिफिन सर्विस शुरू की है, बहुत ही बढ़िया खाना बनता है इनके यहाँ। वाह क्या खुशबू आ रही खाने की। हाँ भाई कुकू, स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रही है। थैंक यू सर। बस स्मेल ही अच्छी नहीं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अरे भाई तू कुछ खिलाओ भी। हाँ मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ तो आप सब टेस्ट करके देखिए ना। सर बच्चा कराओ, टेस्ट कराओ, मजा आएगा। सर कैसा लगा? पानी। अरे वोटर वोटर का स्कूल में आता तो। अरे सर आपने इतना सारा होमवर्क दिया था इसलिए भूल गया। अरे पानी लाओ, पानी 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 पानी। हो गई फिर से कुकू माथुर की झंड। कुकू तूने फिर से गड़बड़ कर दी, तू सच में झंडू है। नहीं मिताली मुझे नहीं पता इतनी मिर्ची कहाँ से आ गई, मैंने जब टेस्ट किया था तब तो सब कुछ सही था। क्या फिर तो ये जरूर किसी की शरारत होगी। पर किसकी शरारत होगी? सब पता चल जाएगा, हमें बस बालवीर को बुलाना पड़ेगा। बालवीर? हाँ हाँ बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर बालवीर ये बालवीर क्यों नहीं आ रहा? आप चिंता मत कीजिए, हम सब बच्चे उसे बुलाएंगे तो जरूर आएगा। बालवीर 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 बालवीर। क्या हुआ बच्चों, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बालवीर इस बार हमने तुम्हें अपने लिए नहीं बुलाया, हमने इस बार तुम्हें कुकू भैया के लिए बुलाया। कुकू भैया? हाय बालवीर, मैं कुकू माथुर। ये हमेशा झंडी होती रहती है, लेकिन अब बालवीर यहाँ है तो ऐसा नहीं होगा। पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। अब चिंता मत कीजिए, अभी पता चल जाएगा ये शरारत किसकी है। करता हूँ मैं बात हमेशा सच्ची और अच्छी, जिसने भी की है ये शरारत उसे लगने लगे मिर्ची। भागले रोनी भागले, कुकू का तो पता नहीं पर आज बालवीर तेरी झंड जरूर कर देगा। पानी पानी रोनी तू पानी पानी मिर्ची तूने डाली थी।
सॉरी कुकू, सॉरी बालवीर, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, पर जो एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, सॉरी। थैंक्स बालवीर, तुम्हारी हेल्प से सच्चाई सामने आ गई और कुकू माथुर की झंडोनी से बच गई। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता है, और अगर आपने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुना है तो आपको कामयाबी मिलनी ही है। दोस्तों, आज से पहले मेरी बहुत झंड हुई है, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कुकू माथुर की झंड कैसे होती थी, तो 30 मई को अपने नजदीकी थिएटर्स में हमारी फिल्म कुकू माथुर की झंड हो गई देखने जरूर जाइए। आप भी 30 मई को कुकू माथुर का साथ जरूर दीजिएगा। आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स बालवीर। दिया आपने मुझे डूबा डूबा, एक हो तो गया आपका काम खत्म। नहीं, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। वाह वाह परी भयंकर, वाह हे आराम, मुझे भी बहुत आनंद ये खेल खेलने में। हाँ, पर अपने आनंद में कोई गलती मत कर बैठना। तौबा तौबा, नहीं नहीं करना चाहिए था रानी परी को ऐसा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था रानी परी को ऐसा। अरे अरे उतारो मुझे नीचे। क्या नहीं करना चाहिए था रानी परी को? नहीं बता सकता मैं आपको कुछ भी, कर दीजिए मुझे माफ। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें। अगर तुमने सच नहीं बताया मुझे तो मैं तुम्हें जमीन में पटक दूंगी। वो बताता मैं आपको सब, वो बताता। अब कह रहा था मैं ये कि नहीं छुपाना चाहिए था रानी परी को गज्जू को, आखिर है वो मेरा मित्र। क्या रानी परी ने गज्जू को छुपाया है? हाँ, और वो भी जानबूझकर। पर रानी परी गज्जू को जानबूझकर क्यों छुपाएंगी? अब क्योंकि है वो चाहते कि गज्जू की वजह से ना छोड़े आप परीलोक की सुरक्षा का कार्य। रानी परी, ये आपने अच्छा नहीं किया। कहाँ छुपाया है गज्जू को रानी परी ने, बताओ? अब वो तो है जानते सिर्फ रानी परी ही, जो है बैठी बड़े आराम से। नहीं, अब रानी परी आराम से नहीं बैठ पाएगी। अपने और परीलोक के विनाश से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी रानी परी को। भयंकर की शाबाश, तोबा तोबा शाबाश शाबाश, वाह। अरे आंखों में सुना था तो गलत ही हो जाएगा ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बैठ जाओ। yes,
तुम सबको एक साइंस प्रोजेक्ट बनाना है जिसका टॉपिक तुम लोग खुद ही सुनोगे, जैसे कि साइंस, पर्यावरण में जो पोल्यूशन है उसे कैसे कम किया जा सकता है। सर ये प्रोजेक्ट तो हमारा रेडी है। अच्छा दिखाओ कहाँ है प्रोजेक्ट। ये रहे, वन डिवोर्स। अरे अरे अरे, इसमें हंसने की क्या बात है सर? अगर मोंटू बॉस को कोई छुपा कर रख दिया जाए तो आधे से ज्यादा पोल्यूशन तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। साइलेंस, नो मस्ती। तो बच्चों तुम सब लोग सोचना शुरू करो, और जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे अपने प्रिंसिपल सर के हाथों पूरी स्कूल के सामने अवार्ड भी मिलेगा। अवार्ड? काश ये प्रोजेक्ट आप जीत जाओ बॉस। बॉस पहली बार पूरे स्कूल के सामने आपको डांट पड़ने की जगह अवार्ड मिलेगा। ये प्रोजेक्ट तुम लोग टीम्स में बनाओगे और ये टीम्स मैं बनाऊंगा। बच्चों तुम चारों की एक टीम, तुम तीनों की एक टीम, तुम तीनों की एक टीम, तुम दोनों एक टीम में, तुम चारों एक टीम में, तुम दोनों बच गए, तुम दोनों एक टीम। तो बच्चों तुम सब लोग सोचना शुरू कर दो कि तुम्हें क्या बनाना है। बच्चों तुम लोगों ने सोच लिया है तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है? मोंटू तुमने सोचा है तुम क्या बनाओगे? नहीं सर। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि सर मोंटू को सोच समझ कर काम नहीं करते। साइलेंस। सर। हाँ बेटा। हमारी टीम पॉल्यूशन घटाने के लिए रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट बनाएगी। वेरी गुड बेटा। मानव हम रिसाइकलिंग की जगह साइकिलिंग वाला प्रोजेक्ट बनाए तो अच्छा लगा ना? इसी बहाने हमारी साइकिलिंग भी हो जाएगी और प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। बेटा तुम साइकिल बाद में चला लेना। हाँ मानव तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। सर और हमारी टीम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस बनाएगी, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जिससे बिजली बनाने में कम पॉल्यूशन होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बच्चों मानव की टीम का प्रोजेक्ट डिसाइड हो चुका है और सचिन की टीम का भी प्रोजेक्ट डिसाइड हो चुका है। अब तुम सब लोग भी सोच लो कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, और जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसे अपने प्रिंसिपल सर के हाथों पूरी स्कूल के सामने अवार्ड दिया जाएगा। बॉस आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, मानव या सचिन? मोंटू जीतेगा। योर कंडीशन जी। हाँ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जीतेगा। मानव और सचिन अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि एक दूसरे का प्रोजेक्ट तोड़ेंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो दोनों अच्छे बच्चे हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो जितने अच्छे बच्चे हैं ना नहीं मैं बुरा बच्चा हूँ। वो उनका प्रोजेक्ट नहीं तोड़ेंगे बल्कि प्रोजेक्ट तोड़ेंगे हम लोग ही, लेकिन नाम उनका आएगा। रानी परी हमने अपनी सारी जासूस परियों से भी पूछ लिया लेकिन किसी को भी गज्जू के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो अच्छी खबर नहीं है नटखट परी। रानी परी अब हम क्या करेंगे? अब हम महागजनी को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करेंगे? मेरा
पुत्र गज्जू कहाँ है? महागजनी, काश हमें पता होता कि आपका पुत्र गज्जू कहाँ है, तो हम उसे खुद आपके पास लेकर आते। लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, हम नहीं जानते कि आपका पुत्र गज्जू कहाँ चला गया। झूठ बोलना बंद कीजिए रानी परी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पुत्र आपने ही छुपाया है। महागजनी, आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकती रानी परी पर। ये आरोप नहीं, सच है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रानी परी को गज्जू के साथ। महागजनी, ये झूठ है। झूठ तो आप बोल रही है। महागजनी, रानी परी झूठ क्यों बोलेंगी? क्योंकि वो चाहती है कि मैं हमेशा आपके लिए परीलोक की सुरक्षा करती रहूं। आप जानती है कि मैं अपने पुत्र की वजह से वापस जा सकती हूँ, तो आपने उसे ही रास्ते से हटा दिया। ये आप क्या कह रही हैं महागजनी? आप होश में तो हैं? महागजनी, रानी परी खामोशी से आपकी सारी बातें सुन रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप वो कहती रहेंगी। आप हमारे संयम की और परीक्षा ना ले। संयम तो अब तक मैंने रखा है परियों, और अभी तो मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैं रानी परी का और परीलोक का विनाश कर दूंगी। महागजनी, अपने शब्दों को रोकिए, क्योंकि आप रानी परी का अपमान कर रही हैं। और हम रानी परी का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। शांत हो जाओ परियों। महागजनी को शायद कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझे नहीं है, बल्कि आपको है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, पर अब ऐसा नहीं होगा। महागजनी जो कुछ भी कर रही है भावनाओं में बहकर कर रही है, इसीलिए कोई भी महागजनी पर वार नहीं करेगा। बहुत नाटक कर लिया आपने रानी परी, इसीलिए कोई मुझ पे वार करे ना करे, लेकिन मैं जरूर तुम पे वार करूंगी। महागजनी, हमारी बात तो सुनिए। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। रानी परी, तुम मुझसे ना मेरे बच्चे को छुपा सकती हो और ना ही खुद छुप सकती हो। महागजनी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपका पुत्र गज्जू हमारे पास नहीं है। मैं अब और झूठ नहीं सुनना चाहती। रानी परी, रानी परी! आप ठीक तो है ना? उठिए रानी परी। अगर मेरा पुत्र गज्जू मुझे नहीं मिलेगा तो आज परीलोक भी अपनी रानी परी को खो देगी।